When I shifted to Delhi after my college, Delhi gave me a lot of love. उससे पहले मैं चंडीगढ़ में सिर्फ एक चंडीगढ़ का गेड़ी मारता हुआ just another लड़का था. You understand गेड़ी? Yes, sector 14. Good morning. Good morning. This time, welcome on the Mumbai-Bombay journey. In person. Bro, it's amazing to meet you. You have an amazing energy. मैं आपको एक सबसे पहला सवाल जो है मेरा, yeah. It's actually an observation, ठीक है? Okay. Generally ना ये जो चीज होती है कि हम आपको घर से पिकअप करके ऑफिस तक ले जाएंगे, हाँ. ये भारी प्रसिद्ध पॉलिटिशियंस के लिए की जाती है कि देखिए साहब, साहब के बाद बिल्कुल टाइम नहीं, मिनिस्टर साहब चार साइन कर देंगे आपके इंटरव्यू चलते चलते भी. ओह गॉड, कैसा लग रहा है ऐसा करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है यार. आई मीन यू सडनली मेरे को ऐसे एलिटेड फील हो, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ऐसे लग रहा है औकात बढ़ा दी है दिल्ली में जैसे कहते हैं. ऐसे इंटरव्यू करते समय आपका जो होस्ट या वो बाहर आ जाता है, वो बाहर आ जाता है. सडनली आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि यार मेरा इंटरव्यू है, बाहर का इंटरव्यू है. मेरी रिजल्ट टीम में यू शुड आल्सो फील हैप्पी. सो यार मतलब अच्छा अच्छा गेस्ट मैं हूं आज. हां नहीं, तो यही सोचो, मेरी रिजल्ट टीम ने ऑलरेडी ये बोल के भेजा है मेरे को, वो ज्यादा सवाल की टेंशन नहीं, वो खुद ही टेक ओवर कर लेंगे. हाँ यार, मतलब I mean I've been a radio jockey for you know donkey's years and I've been a TV host for so many you know shows. So yeah, I mean वो आ जाता है बाहर यार. So what That's true. You also learned to cook a bunch of things during the pandemic. So yes bro, मैंने बहुत कमाल की chicken recipe तैयार करी है. बताइए भाई क्या है? Bro हुआ क्या? I was cooking chicken for my wife and not YouTube shooting or something. I just you know picked up one the broiler. Yeah, and मैंने अपने आप थोड़ा कुछ मिक्स एंड मैच करके इट्स लाइक गेटिंग रेडी यू नो पुटिंग ऑन सम एक्सेसरी यू नो. सो वैसे सब था कि चलो हाँ यहाँ से जश्वा पहन लिए, यहाँ से पॉकेट स्क्वेयर पहन लिए, ये वो वगैरह, दिस दैट एंड द अदर. एंड आई माइट ओके आई मस्ट टेल यू देन कि मतलब ऐसे ऐसे जो मिक्स एंड मैच कह रहा हूँ मैं, ये पॉकेट स्क्वेयर नहीं है, ये एक मलमल का कपड़ा है. ये जेन्युइनली एक रुमाल ही था. और एक और बात आता हूँ मैं आपको, कुछ दिन पहले हम शूट कर रहे थे, वो पॉकेट स्क्वायर मैच नहीं कर रहा था. अपन ने सॉक्स लटका ली थी यहाँ पे और पता ही नहीं चला, पूरे शूट में किसी को नहीं पता चला कि ये सॉक्स है. क्या बात कर रहे हो? एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं काफी टाइम से ये भी कर चुका हूँ कि पॉकेट स्क्वायर कम ही खरीदता हूँ. आई बाय एक्स्ट्रा डिफरेंट कलर्स ऑफ यू नो पेयर ऑफ सॉक्स एंड मैं पहन लेता हूँ यहाँ पे, उसको पता ही नहीं चलता. सो एनीवे, कमिंग बैक टू द मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑफ यू नो द रेसिपी कुकिंग, तो मैंने कुछ कुछ करके मैं डालता रहा यू नो. सडनली मुझे लगा अबाउट 20 मिनट्स ऑफ कुकिंग द चिकन कि यार इसका ना कलर ब्राउन नहीं हो रहा है उतना, यू नो. एंड आई वांट चिकन करी जो होती है ना, थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा ऐसे लगे भुना हुआ है या कुछ वगैरह, वो हो ही नहीं रहा था. मैंने सब तरीके के मसाले ट्राई कर लिए, मैंने वहां पर चिकन मसाला भी पड़ा था, यू नो दिस गरम मसाला, दिस जड़ एंड दिया, मैंने कहा ज्यादा तो नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा मैं, क्या सीन है. तो कलर आ ही नहीं रहा था. And I was like, what do I do? मैंने फ्रिज खोली, उसके अंदर ना हरी चटनी पड़ी हुई थी. मैंने वो हरी चटनी ऐसे तीन चार चम्मच थर्ड उसमें गेर दिया. And bro, क्या कलर निकला और क्या टेस्ट निकला, क्या बात कर. So guys, the moral of the story is, आप हरी चटनी पहले बना के रखें, पहले हरी चटनी बना के रखें. एंड आप जब ऑलमोस्ट तैयार हो गया अपना चिकन, आप उसमें हल्की सी हरी चटनी ऐड कर लें, एक तो बड़ा कमाल का एक टेस्ट देता है और उसके साथ साथ हाँ बिल्कुल तो उसका आफ्टर टेस्ट भी करेक्ट है, पेट के लिए भी करेक्ट है. एंड ऑल्सो यू डन समथिंग डिफरेंट यू नो फ्रॉम जो बाकी लोग चिकन करी बना रहे हैं, थोड़ा अलग किया, सो मजा आ रहा है, उसमें मजा आता है. वाह वाह, शेफ अपार शक्ति. थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग. आई हैव एन अल्टरनेट करियर ऑप्शन नाउ. रणवीर बड़ासर, आई लव यू, बट मैं प्लीज पहले मैं आपकी शरण में गिर जाना चाहता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ चिकन करी मैंने बना लिया, आप और मैं एक साथ किचन में घुसते हैं, क्या कहते हो? सही बात है. और मुंबई की भाषा के बारे में हमारी पता नहीं बात हुई थी कि नहीं पिछली बार. आई डोंट थिंक सो. मैंने एक चीज नोटिस करी है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मराठी और पंजाबी में मैच करते हैं. क्या बात? हाँ हाँ, जैसे वो बोलते हैं कुठे, हम बोलते हैं कितने, कितने एंड कुठे इज क्वाइट यू नो सिमिलर, दे साउंड लाइक कजिन्स. मराठी में गेस्ट को बोलते हैं पौने, पंजाब में पंजाबी में बोलते हैं प्राउणे.
बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई मीन ये मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल दिए हैं आपको, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं. सो बट या हैविंग सेड दैट, यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ मराठी फ्रेंड्स अराउंड, तो मैंने एक वर्ड पाइजे सीखा हुआ है. पानी पाइजे, या फिर मेकअप दादा को बोलना है तो शीशा पाइजे. सो पाइजे इज अ वेरी, यू नो, इट कम्स इन वेरी हैंडी. एंड मुझे ये अमृतसर ने सिखाया था. हाँ, दंगल के शूट पे. ही नोज मराठी क्वाइट वेल. बट और वो, यू नो, मैं एक बार जनरली पूछा मैंने उनसे, सर आई मीन योर मराठी इज क्वाइट फ्लुएंट. ही वाज लाइक, हाँ नहीं, मैं काफ़ी मराठी सीख गया हूँ, लेकिन अगर तूने हल्का सा एक स्वैग बना के रखना है ना कि मुझे मराठी आती है, जस्ट लर्न द वर्ड पाइजे. आई वाज लाइक, व्हाट इज इट? ही सेड पाइजे. आई वाज लाइक, ओके पाइजे. आई वाज लाइक, व्हाट डज इट मीन दो? कहते पाइजे, मैं जाऊं हर जगह पाइजे 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 भाई के पाइजे 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 का हिसाब लेके रखूंगा मैं. अच्छा, दैट्स पाई पाई, सॉरी. सो ही वाज लाइक, पाइजे मींस चाहिए. तो चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, यू नो. मुझे 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 खाना चाहिए, मुझे, यू नो, पानी चाहिए, मुझे मुझे कार चाहिए, मुझे मुझे एक दोस्त चाहिए, मुझे कुछ भी, यू नो, एनीथिंग पाइजे. सो या, सो मंजे भी हो जाता है ना. मंजे भी हो जाता है. हाँ, मंजे हो जाता है, बिल्कुल. थाम्बा हो जाता है. थाम्बा. सो दीज आर अ फ्यू वर्ड्स विच कैन, यू नो, जस्ट ड्रॉप देम एवरीवेयर. या थोड़ा एक आपको एक स्वैग दे देते हैं, एक लोकल कनेक्ट, एक कलोकियल लैंग्वेज का, यू नो, एक सुर दे देते हैं. लेकिन एक आई लव द लैंग्वेज. तो स्पीकिंग अबाउट पीपल्स पर्सन, क्या ऐसा हुआ है कि कई कई बार आपको किसी ने बोला हो, यार तू बोला है भाई थोड़ा सा? बोला? हाँ. नहीं, बोले नहीं यार, बिल्कुल नहीं. आई थिंक सी, मेरी आंखें बहुत, यू नो, नॉटी हैं, और फेस बहुत ज्यादा, आई थिंक, लाउड और जंपी है. मैं भोला नहीं हूँ, बट मैं बोलने वाला था, मैं भोला नहीं हूँ, लेकिन इनोसेंट जरूर हूँ. मैं एक बात पब्लिकली बोल दूँ. एक बार मैं जब अपने स्पोर्ट्स एंकरिंग डेज में था, तो कपिल पाजी से पूछा गया कि तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से इंडिया का बाउंस बैक करना मुश्किल होगा? He says, मुश्किल तो नहीं, लेकिन टफ जरूर हो सकता है. So it was like that only. भोला तो नहीं, लेकिन इनोसेंट जरूर हूँ मैं. So, you know, yeah, I do have a very innocent streak inside me. But having said that, काफी बार, you know, वो लोगों को नजर नहीं आती है, especially people who meet me for the first time. So, since you talk about being a people's person, मेरे बारे में ये चीज बोली जाती है. अच्छा, ऐसा क्या? कि भाई आप भी बहुत बड़े people's person हो. तो क्या ऐसा? मुझे लगता है आपका और मेरा तो people का पेड़ लगना चाहिए गलत से. Sorry for the bad joke, guys. ये PJs मेरे आते जाते रहते हैं. These are all dad jokes. He's about to become a dad. Now he's certified to crack these. Oh, this thing, that thing, like that. Does that happen that because you're like a friendly character, they'll come and just start being friends with you? Or one time, ऐसा है? हाँ, ये तो होता है, बहुत regular होता है. हाँ. And I normally respond back. I mean, because हाँ भाई सही बढ़िया सब. हाँ, बिल्कुल बढ़िया. बताओ ना यार कुछ करके, जैसे क्या कुछ हुआ हो, कुछ मुझे पता था कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है. बट इन माई डिफेंस आई वॉन्ट टू से, I mean, I was using helmet for 7 years, and for God's sake, I need to be a father one day, you know, when you kind of, you know, plan things. So, yeah, I mean, I think Bharpur, it is about condoms, but yes, so, मतलब एक house के around world है. So, but yeah, having said that, 7 साल के लिए मैंने, you know, condom का इस्तेमाल किया है. Now, I mean, both of us thought of becoming parents, and touch wood, things have panned out in the right way, and So you've been shuttling a bunch of cities also. Oh, I've been doing Delhi Chandigarh so often from the past almost 5 months now. There have been days that today morning Chandigarh, back in the evening, you know, just spending the day with, you know, Cuckoo and maybe quick lunch with her and back to Bombay. Ah. And then I've shot here and then next day again back to Chandigarh. So Chandigarh, Mumbai was like we just did Andheri Bandra. Yeah, this is going to be a lot of turbulence.
they don't know what to do, they're just sitting in the वो परेशान हो जाते हैं. पहले तो अपार शक्ति नाम सुनते ही उनको ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक कॉफी और देना सर, पावर चाहिए थोड़ी सी और. Yeah, we had also spoken about your brother very briefly right now, but in the last one we've spoken quite extensively about him. आप दो बार मिल गए यार, वो एक बार भी नहीं मिले. Oh God, ये सही है. There's a question there. I'll get to. मैं भी ये कहता हूँ उनको यार. कि एक बार भी नहीं मिले यार. दो महीने हो गए. नहीं यार, of course, I mean, touch wood. You know, the kind of space he's in, he's extremely, you know, kind of occupied with work right now and shooting back to back, touch wood. मेरे भाई के साथ मेरा ऐसा हुआ था, बीच में touch चला गया था, maybe during his teenage, and then we got back into being really tight and like, right now also we're very okay. Have you had that kind of a relationship with your brother? Yeah, when he moved out of Chandigarh, of course, before that we had shared a common room for about 20 years. So of course, तब तक बातें, you know, कुछ ज़्यादा ही share होती थी. But then when he moved out, I also, you know, started working. तब एक हल्का सा communication gap आया होगा in terms of समय ही नहीं होता था. And then you came to Bombay and you started living with him also. Yes, so then absolutely. Then it kind of reconnected. तब वहाँ से I think things totally. वो जो gap बता रहा हूँ मुश्किल से 2-3 साल का भी नहीं था. But also I mean वो मेरा time था where I was you know studying law and वो मेरे college days थे. So I had to not be in touch with my family and have fun and you know use or not use helmet. nice. Polite integration of the film it's called. You also had fun in college. Of course, yaar. I think everybody's having fun in college. Yeah, but guys, whenever, it's not about the age, please use condoms, you know. That's, I think, one of the most important communication right now I want to give through and this don't interview. Be shy when you're going to purchase. Sir. Not at all. That's one of the... ये मुद्दा यही है फिल्म का. Helmet film का मुद्दा ही यही है. That, you know, you can't feel awkward about it. Come on, for God's sake. A bunch of legal age. And yeah, of course. I mean, इसमें awkward feel करने वाली क्या बात है? Rather, आपको तो बिल्कुल full confidence से लेने जाना चाहिए कि यार हाँ मैं use कर रहा हूँ यार. मैं use कर रहा हूँ bro. I mean, I'm having safe sex. Yes. I mean, how about that? And you will be shocked through your bones, bro, to know that ये current numbers बता रहा हूँ आपको. Only 5.2% of Indian men use condoms. हमें 95% लोग नहीं यूज कर रहे हैं. इमेजिन 95% लोग यूज नहीं कर रहे हैं. इमेजिन हाउ अनकूल इज दैट. इट्स ऑब्नॉक्शियस. द नंबर्स आर ऑब्नॉक्शियस. नहीं देखो भाई, ये होती है कि एक अच्छे कैरेक्टर की पेशकश. पिक्चर हो गई खत्म, शूटिंग प्रमोशन के टाइम पे भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा, अभी भी कॉन्डम बेच रहा है आदमी. डब्बे डब्बे मिल गए आदमी को. ओ गॉड. अभी भी होते तो चार डब्बे डब्बे पे लिखा है जब्बे जब्बे करने का नाम. एक बार मैं अपनी यू नो कॉलेज टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तो यू नो उनके दादाजी घर आ गए थे एकदम से. एंड वी वर एट हर प्लेस एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड. पापा नहीं दादाजी. पापा नहीं दादा है, बाप का बाप आया. सही बात है. दादा डजंट साउंड दादा डजंट साउंड डरावना. इट्स लाइक बाप का बाप आया. बाप का बाप. डूड यू विल नॉट बिलीव. मैंने वो इतनी यू नो खतरनाक दीवार फान दी. शुक्र है पीछे उनके रोड पे खुलता था उनका घर. मैं ऐसे फान के निकल गया और आगे पीछे से ऐसे ऐसे निकल के वापस आया, बाइक उठाई, फिर निकला वहां से. एक बार मैं 8th क्लास में सिर्फ फोन पे बात कर रहा था रात को. रात को 3 बजे की बात होगी, 2 बजे की. पापा आई थिंक रूम से बाहर आए, उनको पानी शानी लेना होगा कहीं किचन कुचन से. सही बात है. बाहर आए, देखा, दूर से देखा कॉर्डलेस की लाइट ऑन है. उनको लगा ओहो कॉर्डलेस ऑन रह गया, ऐसी बैटरी खत्म हो रही है उसकी. तो अब वो कॉर्डलेस ढूंढ रहे हैं कि यू नो कॉर्डलेस बंद कर देते हैं क्यों, ऐसे बैटरी खत्म. सही बात है. जब वो कॉर्डलेस ढूंढ रहे हैं तो उनको आवाज आई, उनको आवाज आई एंड वो चुपचाप से मेरे कमरे की तरफ आए. मुझे लगा कि किसी के पैरों की आवाज आ रही है. मैंने बोला हेलो हेलो होल्ड होल्ड, शायद कोई आ रहा है होल्ड. अभी होल्ड करके मैंने रजाई अपने ऊपर कर ली और ऐसे सो गया मैं. और दरवाजा खुलता है, मैं चुप. मैंने कहा पापा हैं, देखेंगे कि मैं सो रहा हूँ और चले जाएंगे. और मैं ऐसे हूँ और उन्होंने रजाई ऊपर से उठा दी और मैं नीचे ऐसे बैठा हूँ. और मेरी आंखें खुली की खुली, फटी की फटी रह गई. ये उड़ता हुआ फटाक चांट आया और फोन पकड़ा, ऑफ किया. अभी तो सो जाओ, सुबह बात करता हूँ. मैं चाहता था सुबह हो ही नहीं. मैं चाहता था ये रजाई के अंदर कहीं ढूंगा सा, कहीं पे कुछ है जगह जहां मैं धरती में समा जाऊं.
कहीं ना कहीं अंदर घुस जाओ यहीं से. I didn't want to wake up in the morning. So you're a foodie? I'm a foodie, पाजी. मैं food का food, पानी का पानी कर देता हूँ. एक बार बिठाओ मुझे टेबल पे. आप तो हमें फिर अगली बार जब अगली बार गाड़ी में नहीं, अगली बार सीधा रेस्टोरेंट में मिलेंगे हम. दिल्ली दिल्ली या कहीं चंडीगढ़ जाकर करेंगे. दिल्ली अगर मैं आपको ले गया तो आप परेशान हो जाओगे. ऐसी बैक टू बैक चीजें वहाँ खाने वाली. यूपीएससी की चाट, सीताराम के छोले भटूरे. यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है. चंडीगढ़ में जो अमृतसरी कुलचे मिल रहे हैं आजकल, हाँ. वो भाई साहब, उसके पास एयरपोर्ट के पास में एक लस्सी मिलती है, हाँ. ग्रैंड लस्सी ऐसे कुछ नाम है उसका, हाँ. इंसान तबाह हो जाएगा उसके बाद. उसके बाद आपका जीने का मन नहीं करेगा. आप कहोगे हो गया, खत्म, बस अब लेट जाओ. अब हो गया. आई एम डन विद माई लाइफ. Tell me about the fact that you've arrived in Bombay और मतलब आप ऐसे land up हुए. The first one और first second दोनों में से आपको क्या दिन प्रकार से याद है? यार जब first time मैं आया था, I was just about a year and a half into my radio career in Delhi and मैं यहाँ shift हुआ और मैंने transfer लिया था. The very first day I landed in the city, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था इस चीज के लिए. मुझे जब आना है नौकरी लेकर आना है. इट्स लाइक यू नो, मम्मा कहते हैं कि आप सुबह घर से कुछ खा के निकलो तभी आगे जाकर ना पीपल विल फीड यू. जब आप सुबह घर से नहीं खा के निकलते हैं तो रास्ते में भी आपको कहीं कुछ खाने को नहीं मिलेगा और जहां पहुंचोगे वहां पर कोई कुछ नहीं पूछेगा. लेकिन अगर आप घर से सुबह कुछ खा के निकलते हैं अगर, तो हर जगह आपको ना आसपास खाना मिलता ही रहता है. सो आई थिंक वो फ्लो होता है लाइफ का. वंस यू स्टार्ट वर्किंग, आप यू बीन दैट साइकिल, तो वो साइकिल टच वो चलती रहती है. बट हैविंग बट कमिंग बैक टू दैट यू नो, मुंबई राउंड वन. हाँ, मुंबई राउंड वन. सो जूम पे जाकर मैंने यू नो आई बिकेम अ स्टाइलिस्ट देयर. ऊपर सर, ऊपर ऊपर. सो आई बिकेम अ स्टाइलिस्ट देयर एंड वेरी यू नो cheekily, I would say, for the lack of a better word, मैंने by chance वहाँ पे ऑडिशन किया. Of course, I wanted to be a host and you know, वहाँ पे उस समय सिर्फ स्टाइलिस्ट की जगह खाली थी. एंड टचवुड, वो जो मैंने ऑडिशन किया वो पसंद आया वहाँ के सभी यू नो प्रोग्रामिंग टीम को एंड ऑल द पीपल हु वर कॉलिंग द शॉट्स. लेकिन वो करने के बाद ना यू नो आफ्टर अबाउट अ मंथ माई फादर सेज दैट आई डोंट सी यू हैप्पी इन मुंबई. तो बस मैंने वो बात थोड़ी सी समझी एंड I packed my bags and went back to Delhi, continued with radio and you know, my papa and bhaiya told me that your homework is incomplete, that's why we think that you this city revisit this chapter again. Yes, absolutely. And main wapas chala gaya, radio kiya, theater kiya, you know, fitness ki. Kya aadmi hataash hota hai aise time pe? Kya lagta hai ki yaar kuch ukhadne gaye the fir wapas aa gaye? Only for a day I was really sad. Ha, you were. I think uske baad only for a day. So because what were you feeling? What were you thinking? Of course, yaar, you know, in hearts of hearts, you've come to this city, packing your bags, and thinking ki bas ye shehar ab mera hai. Ab main yahan se nahi jaunga. Aur 3 mahine ke andar hi aap apne wapas se, you know, abhi aapne unpack kiya bhi nahi achhi tarah. You know, so mujhe laga mujhe kabhi wapas nahi aana hai. And specially jab दिल्ली में रहकर ब्रो दंगल हुई, सातो चक्के हुई. मैं फर्स्ट फिल्म साउथ सातो चक्के एंड देन दंगल. ये दोनों जब फिल्में हुई दिल्ली में रहकर, यू नो थिएटर करते वक्त, देन आई बिकेम ऑल द मोर श्योर कि यार अब तो मुझे मुंबई बिल्कुल नहीं जाना है. बिकॉज अगर दिल्ली से काम हो रहा है, दिल्ली से सातो चक्के और दंगल जैसी फिल्म हो रही है, तो फिर क्यों दिल्ली जाना है? सो वेरी रैंडमली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू नो a TV channel to host for them, first Sony Mix and then Star Sports, both of them, you know, simultaneously called, and this was something which was really close to my heart, jo mujhe karna hi karna tha. And very by chance, Star Sports had shut their functioning from Gurgaon office. So then I came to, you know, Mumbai and started hosting shows for them. I really, you know, had doubts at that time because I thought I was too much in love with my Delhi life. The quality of life there in terms of, you know, space that you have, roads, merely sports infrastructure. Yeah. Apart from that, you know, when I shifted to Delhi after my college, suddenly Delhi gave me a lot of love and a lot of respect. उससे पहले मैं चंडीगढ़ में सिर्फ एक चंडीगढ़ का गेड़ी मारता हुआ जस्ट अनदर लड़का था गेड़ी रूट पे. सो
You understand गेड़ी? Yes, sector 14. So, नहीं भाई सारी research करके आए 14 and 15 के ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर एंड देन यू नो सेक्टर 11, 10, 9, 8 वो पूरा यू नो जो रूट है दैट्स कॉल्ड गेड़ी रूट एंड बहुत ही बचपन में बहुत फन लगता था अब जाते हैं तो थोड़ा सा फ्रिवलस लगता है मे बी चार्म खत्म हो गया गेड़ी रूट का और मे बी वी हैव यू नो यार वी आर आल्सो प्रोबब्ली दैट एज यार एब्सोल्युटली यू नो यू नॉट ऑन दैट आरएक्स 135 एनीमोर यू नो सो फॉर अस इट वाज सीडी 100 अरे यार वाह सो एंड आल्सो आई थिंक यू नो वो घर वालों से रिक्वेस्ट करके गाड़ी मांगना प्लीज 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 दे दो पापा यार या चुप या फिर मतलब चुपचाप से लेकर जाना सो आई थिंक वो काफी ज्यादा वो डेज काफी इंटरेस्टिंग थे आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन दैट वो दिन ज्यादा याद आते हैं आपका गाना है तेरी यारी 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 तेरी यारी इज माय सॉन्ग विद मिलिंद गाबा इट वाज एन अमेजिंग कोलैबोरेशन बहुत मजा आया आई थिंक थोड़ी तेरी यारी भी गा दो फिर सो वो तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी ओ तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी ओए ओ दारू पीने मैंने तो ही है सिखाई तेरे पीछे मैंने मार मड़ी खाई ओ तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी ओ तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी ओए ओ दारू पीने मैंने तो ही है सिखाई तेरे पीछे मैंने मार मड़ी खाई